दोस्तों सोचो, अगर आप ऐसी गुनाह की सजा काट रहे हैं जो गुनाह आपने कभी किया ही ना हो, या फिर ऐसी बाजी जो आप हार चुके हैं और उसी वजह से आपकी जिंदगी छीन ली गई हो, अगर ऐसे हालात हो जाए तो आपकी जिंदगी मौत से भी बदतर लगने लगती है। मगर आंखें खुली करके बड़े एहतियार से आप बाजी पलटने की हौसला रखते होगे तो आपकी जीत तो पक्की होगी और आप बाजीगर कहलाने जाओगे। दोस्तों इसी के चलते मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लाया हूँ जो दोस्तों इस मूवी का नाम है मैन ऑन अ लेज। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.6 out of 10 और इसके डायरेक्टर है एसगार्ड लेथ। दोस्तों इस मूवी के मेन कास्टिंग में है सैम वर्थिंगटन और उन्होंने निक कैसिडी का रोल किया है। उसके साथ साथ लीडी कैरेक्टर में है एलिजाबेथ बैंक्स, उन्होंने लीडिया एंडरसन जो कि एक डिटेक्टिव है उनका रोल प्ले किया है। उनके साथ साथ है जेमी बेल है जिन्होंने कैसिडी के भाई जॉय कैसिडी का रोल किया है। उनके साथ साथ है जॉय की गर्लफ्रेंड जेसिस रॉड्रिक्स, उन्होंने जी का रोल प्ले किया है। और उनके साथ साथ है इस फिल्म के विलन एड हैरिस, उन्होंने डेविड एल्गलर का रोल किया है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत में आपको दिखाया जाता है कि निक एक होटल का टॉप फ्लोर का रूम बुक करता है और वो उस कमरे में थोड़ी देर रुकने के बाद वो खिड़की से बाहर आकर खड़ा हो जाता है जैसे कि मानो कोई आत्महत्या ही करने वाला हो। लेकिन पूरी मूवी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में आपको दिखाया जाता है कि निक एक पुलिसमैन होता है लेकिन वो एक रॉबरी के कारण किसी जुर्म की सजा काट रहा होता है और वो अपने दोस्त के साथ बात कर ही रहा होता है कि कुछ दिनों बाद उसके डैड की मरने की खबर आ जाती है और निक को एक दिन के लिए उसके डैड के दफन किए हुए एरिया में जाने का मौका मिल जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात उसके भाई जॉय कैसिडी से होती है और उसके साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड एंजी भी रहती है। वहाँ पे जॉय के साथ निक का झगड़ा हो जाता है और निक पुलिसमैन की गन छीन कर वहाँ से भाग जाता है और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। निक वही खिड़की के पास खड़ा होता है। निक काफी देर से उस खिड़की के पास खड़ा होता है और नीचे के लोग निक को नोटिस करते हैं और नीचे के लोग जब निक को नोटिस करते हैं तब वहाँ काफी भीड़ हो जाती है और लोग निक के नीचे गिरने का तमाशा देखते हैं। लेकिन निक वहाँ पे काफी देर खड़ा हो जाता है, उसकी वजह से वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और उन पुलिस में से एक डिटेक्टिव निक से बात करने के लिए होटल में आता है। फिर निक से जब वो बात करता है तब निक उसे कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ एक ही लड़की से बात करनी जिसका नाम है लीडिया एंडरसन जो कि एक डिटेक्टिव है। उसकी ये बात सुन के वो पुलिस वाले उस लीडिया एंडरसन को वहाँ पे बुलाते हैं। लीडिया वहाँ पे आ जाती है और जब लीडिया निक से बात करने जाती है तब निक उसे बताता है कि तुमने पिछले मिशन में जब एक आदमी ने तुम्हारे सामने आत्महत्या कर ली थी और तुम कुछ नहीं कर पाई। हालांकि निक उसके बारे में काफी कुछ जानता है पर जब वो पिछला केस हैंडल कर रही थी और एक आदमी मर गया था उसकी वजह से लीडिया काफी अपसेट रहती है और जब निक उसे कहता है कि ये केस भी उसी तरह है लेकिन अब सब तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो ये सब ठीक कर सकती हो। ये बात कह के निक लीडिया को काफी उलझन में डाल देता है और लीडिया सोचने पे मजबूर हो जाती है। और दूसरी जगह उसी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में निक का भाई जॉय कैसिडी और उसकी गर्लफ्रेंड एंजी खुफिया तरीके से उस बिल्डिंग में इंटर कर रहे होते हैं। वो एक बॉम्ब प्लान करके उस बिल्डिंग का स्लैब फोड़ देते हैं और उस बिल्डिंग में दाखिल हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चल क्या रहा है। दोस्तों इस मूवी में काफी सस्पेंस है, अगर इस सस्पेंस को जानना है तो ये मूवी आपको आखिर तक देखनी होगी। तो दोस्तों इस मूवी में निक और लीडिया जब बात कर रहे होते हैं तब जॉय और एंजी उस फिल्म में इंटर करते हैं। वहाँ के CCTV वो बंद कर देते हैं और वहाँ के मोशन सब बंद कर दे, लिफ्ट के द्वारा वो अंदर घुसते हैं और वहाँ पे कुछ चीजें ढूंढ रहे होते हैं। तब दिखाया जाता है इस मूवी के विलन को जो कि है डेविड एंग्लैंडर। वो एक रिच आदमी रहता है और उसका हीरो का बिजनेस रहता है। अब ये डेविड एंग्लैंडर विलन कैसे, हालांकि इस स्टोरी में आपको बताया गया है कि निक बिल्कुल डेविड एंग्लैंडर के बिल्डिंग के सामने वाले बिल्डिंग में जाके ही ऊपर चढ़ गया होता है और वहां से ही कूदने वाला होता है। फिर डेविड एंग्लैंडर की एक मीटिंग होती है और वहां से गुजरने वाला होता है लेकिन वहां पे ट्रैफिक ज्यादा हो जाने के कारण डेविड उसी बिल्डिंग में फंस जाता है और उसी बिल्डिंग में एंजी और जॉय एंट्री कर देते हैं। निक ने उस रूम में से अपने सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए होते हैं, इसी वजह से पुलिस वालों की निक की असलियत का पता नहीं चल पाता और काफी चालाकी से सिगरेट देके उससे फिंगरप्रिंट्स ले लेती है और पुलिस वाले उसके फिंगरप्रिंट स्कैन करके निक की असलियत का पता कर लेते हैं। निक जेल से भागा हुआ एक कैदी होता है और निक को पकड़ने के लिए फिर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लाई जाती है। हालांकि जब निक की सच्चाई उनके सामने आ जाती है तब लीडिया निक से अकेले में ही बात करती है। लीडिया के सामने निक बताता है कि सब मेरे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है, अब मैं तुम्हें असलियत बताता हूँ। तब निक कहता है कि ये सब चालू है वो एक प्लान है और जो डेविड एंग्लैंडर है उसने मुझे एक हीरे के चोरी के इल्जाम में
फंसाया हुआ है। हालांकि वो हीरा कभी चोरी हुआ ही नहीं था। जब मुझे डेविड इंग्लैंडर के या हीरो की सुरक्षा के लिए मैं और मेरे दोस्त को जब भेजा गया था, तब डेविड इंग्लैंडर काफी नुकसान में था और उसकी कंपनी टूटने के कगार के आ गई थी। उसे उस कंपनी को बचाने के लिए उसने हीरा चोरी होने का आरोप मुझ पर लिया और उसके बदले उसे उस हीरे के इंश्योरेंस के बदले उसे काफी मिलियन में पैसा मिला और उसकी कंपनी फिर से चल गई। हालांकि वो हीरा कभी चोरी हुआ ही नहीं और आज उसी हीरे को मैं आज चोरी करने जा रहा हूँ। जब ये बात उसे बताता है और उसके साथ साथ लीडिया को ये भी पता चल जाता है कि निक किसी और के साथ हेडफोन के थ्रू बात कर रहा है, तब वो उसे बताता है कि मैं अब वही असली हीरा चोरी करके दुनिया के सामने बताऊंगा कि वो हीरा कभी चोरी हुआ ही नहीं था। ये होता है दोस्तों असली प्लान। अब लीडिया उन ऑफिसरों के बारे में पूछताछ करती है जो डेविड एलेक्जेंडर के साथ मिले हुए होते हैं और उसी बीच दूसरी तरफ जॉय और एंजी उस हीरो के लॉकर तक पहुंच जाते हैं लेकिन उनको वो हीरा नहीं मिलता। बाद में वो वही रुकते हैं और डेविड इंग्लैंडर का इंतजार करते हैं। वहां पे डेविड इंग्लैंडर आता है और वो हीरा दूसरी तरफ की तिजोरी में से निकालता है और वो उसके बाद एंजी और जॉय डेविड को पकड़ लेते हैं और उसके गन पॉइंट पे वो हीरा ले लेते हैं। जॉय और एंजी वो हीरा लेके उस होटल के रूम सर्विसमैन के तरफ दे देती है और सर्विसमैन उस हीरे को बड़ी चालाखाना देने का बहाना करके निक तक पहुंचा देता है और निक को हीरा तो मिल जाता है लेकिन निक उसी खिड़की के बाहर खड़ा रहता है। तभी डेविड इंग्लैंडर जो होता है वो उन्हीं पुलिस वालों को फोन करता है और निक को मार डालने का प्लान बनाता है और उसी के साथ जॉय और एंजी को भी ढूंढ कर उन्हें मारने का प्लान बनाता है और उनसे वो हीरा लाने के लिए कहता है। तभी उधर जॉय और एंजी पुलिस वालों के हाथ लग जाते हैं और डेविड ने टॉर्चर करके डेविड इंग्लैंडर के हाथ दे देते हैं। उधर दूसरी तरफ निक के ऊपर भी पुलिस वालों का हमला हो जाता है और निक बिल्डिंग के अंदर भाग जाता है। भागते भागते निक बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंच जाता है। वहां पे निक पुलिस वालों के हाथ लग जाता है। वहां पे फिर एंट्री होती है डेविड इंग्लैंडर की और वो वहां पे एनजी और निक को लेके आते हैं और जब डेविड इंग्लैंडर निक से कहता है कि तुम फिर हार गए, तुम्हें अब वो हीरा मुझे लौटा देना चाहिए नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को नीचे फेंक दूंगा, तभी वो मजबूरी में आके निक उसे वो हीरा दे देता है और बाहर निकल जाता है। और जब वो निकल जाता है तब वो पुलिस वालों से कहता है कि मेरे जाने के बाद इन दोनों को गोली मार के खत्म कर दो। तभी निक का दोस्त और लीडिया वहां पे ऊपर उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं और पुलिस वालों पे फायर करके निक को बचा लेते हैं और जॉय को भी बचा लेते हैं। तभी निक डेविड इंग्लैंडर नीचे चला जाता है और वो आता है गुड बाय ऐसा इशारे करता है लेकिन जॉय कहता है कि तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए, ये तुम्हारा आखिरी मौका है नहीं तो तुम फिर से जेल चले जाओगे। तभी निक उस बिल्डिंग से नीचे छलांग मार देता है और वहां नीचे जो पहले निक को बचाने के लिए कुछ एयर बैग्स रखी होती है उसके ऊपर निक गिर जाता है और वो फिर से उठकर भागते हुए डेविड को पकड़ लेता है और डेविड के जेब में से उस हीरे को निकाल लेता है। एक जग सारी मीडिया को वो हीरा दिखाता है तब डेविड इंग्लैंडर को पुलिस पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है और सारे नीचे खड़े हुए लोग निक के लिए तालियां बजाते हैं और निक के बारे में सारे लोग जान चुके होते हैं कि निक एक भगोड़ा चोर है और उसने हीरा चोरी किया था और लेकिन उसने अपने आप को बेगुनाह साबित कर दिया है, इसीलिए लोग निक के लिए काफी तालियां बजाते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है कि निक जेल से रिहा हो जाता है और उसे लेने के लिए लीडिया आती है और लीडिया और निक उसी होटल के नीचे एक बार में जाते हैं। वहां जाने के बाद वहां पे एनजी और जॉय कैसिडी भी आता है। फिर दिखाया जाता है कि जॉय कैसिडी और सब वो उस होटल के वेटर से मिलते हैं और निक लीडिया बताता है ये कोई होटल मैनेजर नहीं, ये मेरे पिताजी है। और जब लीडिया समझ जाते है कि इस प्लान करके रखा था, हालांकि निक और जॉय के पिताजी कभी मरे ही नहीं थे, वो एक प्लान का हिस्सा थे। ये सब चालू ही रहता है कि जॉय एनजी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और उसी ड्रिंक के दौरान लीडिया भी निक पे फिदा हो जाती है और इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।